हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईटीएलएस एकेडमी। आज के लेक्चर का टॉपिक है माइक्रोबायोलॉजी ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक्स एंड फ्रूट जूसेस। दिस इज पार्ट वन। माइक्रोबायोलॉजी ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक्स एंड फ्रूट जूसेस। वी विल स्टार्ट विद इंट्रोडक्शन। द कोल्ड बीवरेज मार्केट रिप्रेजेंटेड बाय व्हाट आर टर्म्ड सॉफ्ट ड्रिंक्स and fruit juices continues to expand in diversity and size। जो cold beverages की market होती है, चाहे वो soft drinks के form में हो, चाहे वो fruit juices हो उनमें, वो diversity बहुत ज़्यादा उनकी बढ़ रही है, size भी उनका expand हो रहा है। With an ever expanding variety of products being released every year, हर साल बहुत से तरह तरह की वैरायटी के प्रोडक्ट्स को रिलीज किया जाता है कोल्ड बीवरेज मार्केट में। दिस हैज इंक्रीज्ड द पोटेंशियल फॉर स्पॉइलेज प्रॉब्लम। और जो ये तरह तरह की वैरायटीज आ रही हैं, जो मार्केट एक्सपेंड हो रही है, चीज़ें बढ़ रही हैं, उनकी वजह से जो जूस हैं, जो सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, उनके स्पॉयलर्स की प्रॉब्लम्स बढ़ गई हैं, उनमें कंटेमिनेशन का खतरा ज़्यादा हो गया है। क्योंकि चीज़ें जब कम होती हैं तो इजीली उनको कंट्रोल किया जा सकता है, रिनोन्ड चीज़ें होती हैं, लेकिन जब वैरायटी बढ़ती जाती है, तरह तरह की वैरायटी आएगी, तो प्रोडक्ट्स इतने सारे होंगे कि कुछ वेरीफाइड होंगे, कुछ वेरीफाइड नहीं भी होंगे, और स्पॉयलर्स प्रॉब्लम्स भी देखने को मिलेंगी। Many products are now still that is non-carbonated and enhanced by the addition of low levels of fruit juices। और इनको fruit juice के low level से add थोड़ा सा fruit juice का level add करके इनको enhance कर दिया जाता है, which tends to allow similar spoilage flora to pure fruit juices। और जैसे कि fruit juices में जो spoilage flora होता है, जो स्पॉयलेस करने वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो नॉन कार्बोनेटेड ड्रिंक्स में आपने ऐड किया है फ्रूट जूस, उसके साथ में ही वो जो स्पॉयलेस फ्लोरा है वो भी तो ऐड हो गया, उसका भी एडिशन हो गया, जो कि आपकी नॉन कार्बोनेटेड ड्रिंक में आगे जाके स्पॉयलेस क्रिएट करेगा। द यूज़ ऑफ इवर मोर एग्जॉटिक रॉ इन्ग्रेडियंट्स मे लीड टू द डिस्कवरी ऑफ अनयूजल स्पॉयलेज ऑर्गेनिजम्स इन द फ्यूचर। जिस तरीके से एडिशन किया जा रहा है फ्रूट जूसेस का, इसी तरीके से अगर एग्जॉटिक रॉ इन्ग्रेडियंट्स का एडिशन होता रहा, तो आपको तरह तरह के स्पॉयलेज ऑर्गेनिजम्स फ्यूचर में देखने को मिलेंगे, और बहुत सारे स्पॉयलेज ऑर्गेनिजम्स की डिस्कवरी होगी। Microbial problems within soft drinks and fruit juices can be divided into two groups। जो microbial problems हैं, इनको दो groups में divide किया गया है। पहला है growth in and deterioration of the product by general organisms to produce spoilage। Normal जो organisms होते हैं, micro organisms, इनकी growth हो जाती है किसी भी product में, और ये product को deteriorate कर देते हैं, ग्रो करते हैं और उस प्रोडक्ट को डिटेरियोरेट कर देते हैं। दूसरे ग्रुप की अगर बात करें, तो ग्रोथ इन और कंटेमिनेशन ऑफ द प्रोडक्ट बाय पैथोजेंस टू प्रोड्यूस फूड पॉइजनिंग। कुछ ऐसे पैथोजेंस आ जाते हैं, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं, जो कि कंटेमिनेशन करते हैं प्रोडक्ट का, साथ ही साथ में फूड पॉइजनिंग भी कॉज कर देते हैं। There have been relatively few instances of food poisoning in fruit juices or soft drinks। Fruit juice और soft drink की अगर हम बात करें, तो बहुत कम cases देखे गए हैं जो कि food poisoning fruit juice से हो जाए, बहुत ही कम केस होते हैं। आपने भी देखा होगा, food poisoning तरह तरह की चीज़ों से होती है, लेकिन fruit juice या फिर soft drink पीने से आपको food poisoning हो जाए, ये बहुत रेयर होता है। बट माइक्रोबियल स्पॉयलेज इज़ वेरी कॉमन। माइक्रोबियल स्पॉयलेज बहुत हाई रेट से देखा जाता है फ्रूट जूसेस के केस में।
Microbial growth can take some time to get started after processing and packaging. ऐसा नहीं होता है कि जैसे ही आपने फ्रूट जो भी सॉफ्ट ड्रिंक है आपके आपने फ्रूट जूस का एडिशन किया तो वो तुरंत ही आपका स्पॉयलेज स्टार्ट कर देगा. वो तुरंत स्पॉयलेज स्टार्ट करे ऐसा कोई भी ज़रूरी नहीं है. वो अपना टाइम भी ले सकते हैं प्रॉपर ग्रोथ बनाने के लिए और प्रोसेसिंग और पैकेजिंग के बाद स्टार्ट हो सकते हैं. If survivors occur or post-process contaminants get into the product, अगर इनका survivor हो जाता है ये वहाँ पर जीवित रह जाते हैं तो ये post-process contamination कर देंगे. सारी processing होने के बाद में जो भी product है उसको contaminate कर देंगे. However, the shelf life of an ambient product is long enough to give time for growth to occur. जो सेल्फ लाइफ होती है किसी भी प्रोडक्ट की ये इतनी होती है कि जो भी प्रोडक्ट है उसकी इतनी लॉन्ग लाइफ है कि वो जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो कर रहे हैं उनको प्रॉपर टाइम देती है कि उनकी ग्रोथ हो सके और ग्रोथ के बाद में वो स्पॉयलेज कर सके. Composition of soft drinks and fruit juices in relation to spoilage. Spoilage के relation में soft drinks और fruit juices का composition क्या होता है. There is a huge range of soft drinks and fruit juices for sale. Obviously बात है बहुत सारे प्रकार के fruit juices मौजूद हैं, बहुत सारी soft drinks मौजूद हैं sale के लिए and many methods for their manufacture. ज़रूरी नहीं है कि सारे फ्रूट जूसेस को कुछ ही मेथड्स की मदद से बनाया जाए. सबका अलग अलग प्रोसीजर होता है, अलग अलग मेथड, बहुत सारे मेथड्स का यूज़ किया जाता है उनके मैन्युफैक्चर के लिए. सॉफ्ट ड्रिंक्स कैन बी नॉन कार्बोनेटेड. जो सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं ये नॉन कार्बोनेटेड हो सकती हैं, कार्बोनेटेड हो सकती हैं, विद और विदाउट एडेड फ्रूट जूसेस हो सकती हैं. कि सॉफ्ट ड्रिंक में फ्रूट जूस का एडिशन किया गया है या नहीं, CO2 का एडिशन किया गया है या नहीं, इन सारे बेस पेस का डिवीजन होता है. एंड ऑफन विद द एडिशन ऑफ ऑर्गेनिक एसिड प्रिजर्वेटिव्स. बहुत सारे टाइम्स पर यह देखा जाता है कि ऑर्गेनिक एसिड प्रिजर्वेटिव्स का एडिशन कर दिया जाता है. तो ये भी उसके डिवीज़न का एक टाइप हो सकता है कि जो भी सॉफ्ट ड्रिंक है उसमें ऑर्गेनिक एसिड प्रिजर्वेटिव्स का एडिशन किया गया है या नहीं किया गया है. दे कैन बी फिल्ड ऑन स्टैंडर्स क्लीन फिल लाइन्स और एसेप्टिक पैकेजिंग लाइन्स. अगर इनकी फिलिंग की बात करें तो स्टैंडर्ड फिलिंग की जा सकती है या फिर क्लीन फिल लाइन्स में इनकी फिलिंग हो सकती है या फिर एसेप्टिक पैकेजिंग लाइन्स में भी इनकी फिलिंग की जा सकती है. Recent technology using high pressure processing has been used to produce cold pasteurized fruit juices. अभी कुछ ऐसी भी technologies आ गई हैं जो कि hot pasteurization होता है, hot pasteurization की जगह पे cold pasteurization का use करते हैं और इनमें high pressure की मदद से treatment किया जाता है. इतना प्रेशर बढ़ा दिया जाता है जिस प्रेशर पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स सर्वाइव नहीं कर सकते. दीज हैव द एडवांटेज ऑफ अ फ्रेश जूस माउथ फील. ये जो जूसेस होते हैं इसका एडवांटेज ये होता है कि एकदम फ्रेश जूस माउथ फील आता है आपको. बट विद द डिस्ट्रक्शन ऑफ पैथोजेंस एंड द मेजोरिटी ऑफ स्पॉयलेज एजेंट इनहेंसिंग द सेल्फ लाइफ ऑफ एन इसेंशियली फ्रेश प्रोडक्ट. इसके साथ में ये भी देखा जाता है जो पैथोजेंस होते हैं हाई प्रेशर पे उनका डिस्ट्रक्शन हो जाता है. ज़्यादातर जो स्पॉयलेज एजेंट्स हैं उनका भी डिस्ट्रक्शन हो जाता है जिसकी वजह से भी जो भी आपका प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट की सेल्फ लाइफ काफ़ी इंक्रीज हो जाती है. रीसेंट ट्रेंड्स फॉर न्यू एंड एग्जॉटिक नेचुरल फ्लेवर्स sourced from increasingly remote supply bases means that there is a greater likelihood of unusual spoilage organisms being imported and with the flavor and juices.
एग्जॉटिक नेचुरल फ्लेवर वाले जो भी जूसेस हैं उनमें एक रिसेंट ट्रेंड दिया गया है कि उनका जो सोर्स है सोर्स फ्रॉम इनक्रीजिंगली रिमोट सप्लाई बेस। और यहाँ पे ये भी इसके भी चांसेस देखे जाते हैं कि अनयूजुअल स्पॉयलेज ऑर्गेनिज्म को ही आ जाए, क्योंकि जो आप फ्लेवर ले रहे हैं, जो भी जूस आप डाल रहे हैं, उसकी वजह से वो उसमें इम्पोर्ट होके आ सकता है। इन एडिशन द क्लीन लेवल मूवमेंट ऑल्सो मीन्स दैट वेयर पॉसिबल सॉफ्ट ड्रिंक्स आर प्रिजर्वेटिव फ्री एंड ऑफन लाइटली प्रोसेस्ड। जहाँ तक देखा जाता है, जब तक कि पॉसिबल हो, जो सॉफ्ट ड्रिंक्स होती हैं उनमें प्रिजर्वेटिव्स का एडिशन नहीं किया जाता है। ये प्रिजर्वेटिव फ्री होती हैं और ज़्यादातर इनकी लाइट प्रोसेसिंग की जाती है, ताकि जो भी दीज न्यू एंड ऑफन डेलिकेट फ्लेवर्स हैं इनके डिस्ट्रक्शन को रोका जा सके या फिर इनके डिस्ट्रक्शन को मिनिमाइज किया जा सके। सिंपल सॉफ्ट ड्रिंक्स सच एज ऑरेंजेट एंड लेमोनेड्स, ये कुछ सिंपल सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, आर यूजली टू एसिडिक फॉर द ग्रोथ ऑफ मोस्ट ऑर्गेनिजम्स। ये ऐसी ड्रिंक्स होती हैं कि इन पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इनमें ग्रो नहीं कर पाते। ऐसा इसलिए क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एसिडिक होती हैं और बहुत ज़्यादा एसिडिक इन्वायरमेंट में सारे ऑर्गेनिजम्स ग्रो नहीं कर सकते। सो दैट स्पॉयलेज इज जनरली बाई कार्बोनेशन रेजिस्टेंट स्पीसीज सच एज डेक्रा एनोमला। अगर ऐसे जो एसिडिक सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं इनमें अगर स्पॉयलेज की बात करें, तो स्पॉयलेज सिर्फ उन्हीं ऑर्गेनिजम्स के द्वारा हो सकता है जो कि कार्बोनेशन रेजिस्टेंट स्पीसीज होती हैं। उन पे ज़्यादा एसिडिटी का फर्क नहीं पड़ता है, जैसे कि डेक्रा एनोमला है, ये ग्रो कर सकती है प्रोडक्ट में इन हाई एसिडिक एनवायरनमेंट, और ये जो आपका प्रोडक्ट है उसको स्पॉयल भी कर सकता है। शुगर्स हैव अ प्रोटेक्टिव इफेक्ट ऑन द हीट रेजिस्टेंस ऑफ ईस्ट एंड बैक्टीरिया। जो ईस्ट और बैक्टीरिया हीट से रेजिस्टेंट होते हैं उन पे शुगर का एक प्रोटेक्टिव इफेक्ट होता है, एंड दिस इज एन इम्पॉर्टेंट कंसिडरेशन एट हायर कंसनट्रेशंस ऑफ शुगर। हाई कंसनट्रेशन अगर शुगर की होती है तो ये बहुत कंसिडरेशन की बात होती है कि जो हाई शुगर लेवल है वो हीट रेजिस्टेंट बैक्टीरिया ईस्ट को ग्रो करा देगा। इसलिए ये एक ऐसी चीज़ होती है जो काफ़ी कंसर्न की बात होती है और इसको कंसिडर भी किया जाता है। सॉफ्ट ड्रिंक्स आर ऑफन नाइट्रोजन पुअर। जो सॉफ्ट ड्रिंक्स होती हैं ये नाइट्रोजन पुअर होती हैं, नाइट्रोजन इनमें कम मात्रा में देखा जाता है, एंड दस द एडिशन ऑफ फ्रूट जूस ग्रेटली इन्हेंसेज द पोटेंशियल फॉर फ्रूट जूस। इसीलिए अगर किसी भी फ्रूट जूस का एडिशन हो जाता है तो स्पॉयलेज का पोटेंशियल बढ़ जाता है, स्पॉयलेज के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब आता है बैकग्राउंड माइक्रोबायोलॉजी। सबसे पहले हम स्पॉयलेज को पढ़ेंगे। मेनी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर फाउंड इन सॉफ्ट ड्रिंक्स आर एनवायरमेंटल और रॉ मटेरियल कंटामिनेंट्स। बहुत से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो कि सॉफ्ट ड्रिंक्स में प्रेजेंट होते हैं ये या तो एनवायरमेंटल होते हैं या फिर रॉ मटेरियल कंटामिनेंट्स होते हैं, बट रिलेटिवली फ्यू कैन ग्रो विद इन द एसिडिक एंड लो ऑक्सीजन एनवायरमेंट। लेकिन इनमें से कुछ ही ऐसे होते हैं जो कि एसिडिक और लो ऑक्सीजन वाले एनवायरमेंट में ग्रो कर सकें। सोर्सेज की अगर हम बात करें, फ्रूट एंड फ्रूट जूसेस आर कॉमनली कंटेमिनेटेड विद ईस्ट एंड मोल्ड्स फ्रॉम द एनवायरमेंट। एनवायरमेंट में जो ईस्ट और मोल्ड प्रेजेंट होते हैं उनसे इनका कंटेमिनेशन हो जाता है, एंड ऑल्सो फ्रॉम इंसेक्ट डैमेज। इंसेक्ट डैमेज से भी जो फ्रूट जूसेस होते हैं उनका कंटेमिनेशन हो सकता है। बात करेंगे ईस्ट की। देयर आर ओवर 800 स्पीसीज ऑफ ईस्ट करेंटली डिस्क्राइब्ड। लगभग 800 स्पीसीज हैं, बट ओनली अबाउट 10 आर कॉमनली एसोसिएटेड विद स्पॉयलेज ऑफ फूड। लेकिन 800 में से लगभग 10 ऐसी हैं जो कि फ्रीक्वेंटली फूड का स्पॉयलेज करती हैं।
prepared in factories that operate good standards of hygiene and use correctly applied chemical preservatives. ये जो 10 स्पीसीज की बात हुई है, ये लगभग ये ऐसी होती हैं जो कि अच्छे खासे हाइजीन कंडीशन में भी ग्रो कर सकती हैं, और इवन केमिकल प्रिजर्वेटिव्स का यूज़ हुआ है उसके बावजूद भी वो ग्रो कर सकती हैं. मेनी ईस्ट एंड मोल्ड हैव सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल स्टेजेस. जो ईस्ट और मोल्ड होते हैं उनमें सेक्सुअल और एसेक्सुअल ये दोनों रिप्रोडक्शन की स्टेजेस हैं ये देखी जाती हैं. दैट मे हैव डिफरेंट नेम्स. हाँ, ये जरूर है कि इनका नाम अलग अलग हो सकता है. Sometimes association of a yeast with a particular genus is recognized as wrong and a name change then occur. कभी कभी ऐसा होता है कि yeast का जो association है किसी भी particular gene के साथ में, genus के साथ में, इसको गलत तरीके से recognize कर लिया जाता है और इस तरीके से वहाँ पे name change हो जाता है. अब हम बात करेंगे bacteria की. Bacteria that have been associated with spoilage in soft drinks industry include Acetobacter, Elecyclobacillus, Bacillus, Clostridium, Gluconobacter, Lactobacillus, Leuconostoc, Sacrobacter, Zymobacter and Zymomonas. ये कुछ ऐसे bacterias हैं जो कि soft drink industry पे लार्ज स्केल पे स्पॉयलर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं. मोस्ट बैक्टीरियल स्पॉयलर्स एजेंट्स आर फाउंड एक्सक्लूसिवली इन स्टील प्रोडक्ट. ज़्यादातर जो बैक्टीरियल स्पॉयलर्स एजेंट्स होते हैं ये स्टील प्रोडक्ट्स में पाए जाते हैं. स्टील प्रोडक्ट्स वो होते हैं जिनमें कि कार्बोनेशन की प्रोसेस नहीं होती है. With the exception of lactic acid bacteria, lactic acid bacteria इसका एक example है. Although Clostridium is an anaerobe, Clostridium एक anaerobe है, it cannot grow in carbonated product because of the pH of these products is too low. जो Clostridium होता है ये carbonated products में grow नहीं कर सकता है क्योंकि इन products का pH बहुत low होता है. Elecyclobacillus spoilage is an important issue in heat treated fruit juices. जो heat treated fruit juices होते हैं उनमें acylobacillus का spoilage अक्सर देखा जाता है. ये एक बहुत important issue है and the bacterium is commonly found contaminating fruit in the field. ये ऐसा bacterium है जो कि fruits को field में ही contaminate कर देता है. Growth of the organism is associated with the production of antiseptic and smoky taints within juice. अगर ये जो Elecyclobacillus bacteria है, अगर ये grow होता है, तो जो juice है, juice में antiseptic और smoky taints देखे जा सकते हैं. Elecyclobacillus acidoteriostris is a thermotolerant. ये एक thermotolerant bacteria बहुत हाई टेम्परेचर पे ग्रो कर सकता है. एसिडोफिलिक भी है और एसिड की कंडीशन में भी ये ग्रो कर सकता है. इट इज आल्सो अ स्पोर फॉर्मिंग स्ट्रिक्ट एरोब. ये स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया है, स्पोर्स का फॉर्मेशन कर लेता है. दैट कैन सर्वाइव फ्रूट जूस हीट ट्रीटमेंट्स टू ग्रो इन द जूस पोस्ट प्रोसेसिंग. ये एक ऐसा बैक्टीरिया है कि जो हीट ट्रीटमेंट दिया जा रहा होता है जूसेस को, तब ये स्पोर्स का फॉर्मेशन कर लेता है. उसके बाद में जब सारी प्रोसेसिंग हो जाती है, जब प्रोडक्ट नॉर्मल टेम्परेचर रेंज में पहुंच जाता है, तब ये अगेन ग्रो करना स्टार्ट कर देता है. मोल्ड्स. मोल्ड प्रॉब्लम कैन बी डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स. मोल्ड की प्रॉब्लम को दो टाइप्स में डिवाइड किया गया है. पहला है ग्रोथ ऑफ अ वैरायटी ऑफ मोल्ड्स ड्यू टू पुअर हाइजीन. पुअर हाइजीन की वजह से बहुत सारे मोल्ड्स का ग्रोथ विद इन द फैक्ट्री और फील्ड एनवायरनमेंट. एंड ग्रोथ ऑफ हीट रेजिस्टेंट मोल्ड्स विद इन हीट प्रोसेस्ड जूसेस. जो हीट प्रोसेस्ड जूस हैं
उनकी प्रोसेसिंग हो चुकी है, लेकिन वहाँ पे हीट रेजिस्टेंट मोल्ड्स ग्रो कर सकते हैं। द फॉर्मर टाइप कैन कॉज टैंटिंग, डिसकलरेशन एंड अदर जनरल प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद ग्रॉस मोल्ड ग्रोथ। जो पहला हमने बात किया, जो पुअर हाइजीन की वजह से ग्रो कर जाते हैं, ये टैंटिंग कॉज कर सकते हैं, डिसकलरेशन कर सकते हैं, और भी इसके अलावा बहुत सी प्रॉब्लम्स को क्रिएट कर सकते हैं। द लैटर टाइप कैन रिजल्ट इन स्लो ग्रोथ ऑफ द मोल्ड विद इन द प्रोसेस्ड प्रोडक्ट। जो हीट रेजिस्टेंट मोल्ड होते हैं, ये जो मोल्ड है, मोल्ड की स्लो ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं प्रोसेस्ड प्रोडक्ट में। मोल्ड स्पॉयलेज विद इन द फैक्ट्री इज एसोसिएटेड विद पुअर हाइजीन। पुअर हाइजीन की वजह से मोल्ड का स्पॉयलेज हो जाता है। वेरियस टाइप्स ऑफ हीट रेजिस्टेंट स्पोर्स कैन बी प्रोड्यूस्ड। बहुत सारे हीट रेजिस्टेंट स्पोर्स प्रोड्यूस हो जाते हैं, इंक्लूडिंग एस्को स्पोर, क्लेमाइडो स्पोर्स एंड स्क्लेरोटिया। ये मोल्ड्स के स्पोर्स का नेम है। वार्मर वेदर इन द समर ओवर द पास्ट फ्यू ईयर्स इन नॉर्दर्न यूरोप हैज पॉसिबली लेड टू एन इंक्रीज इन प्रॉब्लम्स associated with HRM in soft drinks, food juices and fruit purees. बहुत सारे fruit juices की अगर हम बात करें तो जो warmer weather है, ये एक बहुत बड़ा issue बन के उभर के आया है, क्योंकि warmer weather contamination के लिए बहुत ज़्यादा responsible होता है। This is also possibly associated with the increased requirement for low thermal processes फॉर फ्रूट जूसेस एंड प्रोडक्ट्स विद अनयूजुअल इन्ग्रीडियंट्स। और इसकी वजह से ही बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स बढ़ गई हैं कि थर्मल प्रोसेसिंग को बढ़ाया जाए और जो फ्रूट जूसेस हैं उनमें अनयूजुअल इन्ग्रीडियंट्स का यूज़ ना किया जाए। नेक्स्ट है माइकोटॉक्सिन्स। माइकोटॉक्सिन्स आर टॉक्सिक सेकेंडरी मेटाबोलाइज। ये टॉक्सिक सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं जो कि फंजाई के द्वारा प्रोड्यूस किए जाते हैं ग्रोइंग विद इन और ऑन फ्रूट, जो कि फूड के ऊपर ग्रो करती है। दे कैन बी सीरियस थ्रेट टू ह्यूमन एंड एनिमल हेल्थ। ये ह्यूमन और एनिमल हेल्थ के लिए एक बहुत सीरियस थ्रेट हो सकते हैं। पाउटलिन इज द मोस्ट कॉमन माइकोटॉक्सिन एसोसिएटेड विद फ्रूट जूसेस। फ्रूट जूसेस के साथ में सबसे कॉमन जो माइकोटॉक्सिन है वो है पाउटलिन, एंड पर्टिकुलरली एप्पल जूस इज इट कॉमनली अकर्स इफ जूस इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम स्टोर्ड एप्पल। अगर स्टोर्ड एप्पल की मदद से एप्पल जूस को बनाया जा रहा है तो वहाँ पे ये माइकोटॉक्सिन देखने के बहुत चांसेस हो जाते हैं। मोल्ड ग्रोथ इन इन्फेक्टेड एप्पल्स इंक्रीजेज विद टाइम। इन्फेक्टेड एप्पल्स में मोल्ड का ग्रोथ बढ़ जाता है, रेजिंग लेवल ऑफ पाउटलिन। पाउटलिन का लेवल ये बढ़ा देता है। द यूज ऑफ विंडफॉल एप्पल्स फॉर जूस इज ऑल्सो अ फैक्टर। विंडफॉल एप्पल्स का यूज किया जाता है तो वहाँ पे माइकोटॉक्सिन का रोल देखा जा सकता है कंटेमिनेशन में। अवॉइडेंस ऑफ विंडफॉल एप्पल्स, फिल्ट्रेशन ऑफ जूस एंड प्रेसिंग क्विकली आफ्टर हार्वेस्ट आर ऑल मेथड्स टू रिड्यूस द इंसिडेंस ऑफ पाउटलिन इन जूसेस। जूसेस में पाउटलिन को रिड्यूस करने के लिए विंडफॉल एप्पल्स का अवॉइड किया जा सकता है, जूसेस का फिल्ट्रेशन किया जा सकता है, और फिल्ट्रेशन के बाद में प्रेसिंग के द्वारा आप पाउटलिन के इन्फेक्शन को रोक सकते हैं। पाउटलिन कैन बी डिस्ट्रॉयड बाय फर्मेंटेशन टू सीडर और बाय द एडिशन ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड। पाउटलिन के लिए आप सीडर का फर्मेंटेशन करके या फिर एस्कॉर्बिक एसिड का एडिशन करके भी आप इसको दूर कर सकते हैं, इसके कंटेमिनेशन से राहत पा सकते हैं। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस सेशन। अगर आप कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। Like this video, share and subscribe to our YouTube channel. Thank you very much.